आरक्षण के नाम पर वोट बैंक पाने की सियासी राजनीति कर सभी नेता दल चुनाव जीतने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगे झटके के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अपने किलो को मजबूत करने में जुट गए हैं। भूपेश बघेल सरकार ने ओबीसी आरक्षण के दायरे को दो गुना करने के बाद सवर्णों को साधने का बड़ा दांव चला है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वर्ण समुदाय को 10% आरक्षण को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले संविधान को संशोधन करके गरीब स्वर्ण को 10% आरक्षण देने की फैसला किया था। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इसे विचाराधीन रखा था, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगा दी गई। स्वर आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए मापदंड को ही लागू किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके को देखते हुए कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्थानीय निकाय चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। महज 4 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसे कांग्रेस हर हाल में जीत कर अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहती है। सीएम भूपेश बघेल ने एससी और ओबीसी समुदाय को साधने के बाद गरीब स्वर्णों को अपने पाले में लाने का बड़ा दांव चला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी तक एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा था। भूपेश बघेल सरकार ने एससी समुदाय के 12% को बढ़ाकर 13% कर दिया और ओबीसी समुदाय के 14% को बढ़ाकर 27% कर दिया। इसके अलावा गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है, जबकि एसटी समुदाय के 32% आरक्षण को जस का तस रखा गया है। इस तरह से आरक्षण का कुल दायरा 58 से बढ़कर 82% कर दिया गया है। ये थी एचएम न्यूज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए, जानकारियों के लिए, खासकर राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।